नीचे कर लो। हाँ, जिस तरह की वारदात का आज सर खुलासा किया है देवास पुलिस। देखिए बीएनपी थाना पुलिस ने एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। 5 सदस्यीय इस गिरोह को गिरफ्तार किया गया है। इस गिरोह ने देवास सहित हमारे प्रदेश में और आसपास के प्रदेशों में कई सारी घटनाओं का अंजाम दिया है। ये लोग गैस कटर की मदद से एटीएम मशीन को काटते हैं और एटीएम मशीन से कैश लेकर फरार हो जाते थे। इन्होंने कई लूट की डकैती की घटनाएं इन प्रदेशों में की हैं। उनसे पूछताछ की जा रही है। प्रथम दृष्टया उन्होंने लगभग 1 दर्जन घटनाएं किया जाना कबूल किया है। हमें उम्मीद है कि इतनी ही और घटनाओं में इनकी संलिप्तता होगी, उसकी हम पड़ताल कर रहे हैं। कहाँ के निवासी ये आरोपी सभी? 5 आरोपी मेवात क्षेत्र हरियाणा के रहने वाले हैं और आसपास के प्रदेशों सहित दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में इन्होंने घटनाएं करना कबूल किया है। अभी हम इनसे पूछताछ कर रहे हैं कि किस तरह से ये लोग कहां कहां गए हैं और क्या क्या घटनाएं इन्होंने एटीएम मशीन के साथ की। किस तरह और कहां से पुलिस के हत्थे चढ़े सर? क्या क्या जब्त हुई है इनके पास? अभी इनके साथ इनके पास से घटना में प्रयुक्त गैस कटर, गैस सिलेंडर, घटना में प्रयुक्त 4-पहिया वाहन और इनके अन्य इंस्ट्रूमेंट जिनके सहायता से ये लोग घटनाओं को अंजाम देते थे वो सब जब्त हुए हैं। हम इनसे और पूछताछ। कहां से गिरफ्तार किए गए? बात सामने आई कि उसकी वजह से घटना टल गई, क्या है सर वो? क्या हमारी रात्रि गश्त प्रभावी थी, उसके कारण ये एक बार जब गश्त की पार्टी निकली तो ये लोग छुप गए थे। 15 मिनट बाद जब दोबारा गश्त की पार्टी ने सायरन बजाया तो ये लोग वहाँ से भाग निकले थे, लेकिन भागने के बाद भी हमारी टीम ने इनको पकड़ने में सफलता हासिल की। सर कितने टाइम इंटरवल में ये पकड़े गए आरोपी? 48 आवर्स में। सर एक कार भी मिली है इनके पास? हाँ। किस तरीके? एक ब्रेजा कार जिसका ये उपयोग घटनाओं में जाते वक्त करते थे वो मिली है, हमने उसको भी जब्त किया। कहाँ से गिरफ्तार हुए हैं सर ये? ये लोग जब भाग रहे थे हाईवे पर तो ग्वालियर थाना के पनेहा थाना क्षेत्र से इनको पकड़ा। चेकिंग के फर्दर। थैंक यू।